नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट इंडियन डिफेंस मार्केट से निकलकर सामने आ रही है, और इस खबर से जितने भी बड़े हथियार एक्सपोर्टर देश है जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सबके कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। और आप भी जब ये खबर सुनेंगे तो आपको भी भारत की लगन और मेहनत पर गर्व महसूस होगा। तो दोस्तों, और समय ना लेते हुए चलिए बताता हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग खबर। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मार्केट से खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 2022-23 का, वो अब तक 14,000 करोड़ का मार्क टच कर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए एक टारगेट सेट कर रखा था जो कि 17,000 करोड़ का था, और हमें उस टारगेट को बढ़ाकर 19,000 करोड़ का करना पड़ा है। और यही नहीं, भारत ने इस साल के शुरुआती 6 महीनों में ही 8,000 करोड़ की डिफेंस सेल्स रजिस्टर कर ली थी। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जब भारत ने ये टारगेट सेट किया था तो इस पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो भारत के लिए इम्पॉसिबल है, और असल में ऐसा कुछ भारत कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो आज भारत की तरफ से उन लोगों के लिए ये न्यूज एक करारा जवाब बनकर सामने निकल कर आई है। और यही नहीं, भारत ने इस साल अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भारत इतनी आसानी से ये टारगेट अचीव कैसे कर पा रहा है। तो इस वीडियो में इस बात का भी जवाब देता हूँ और बताता हूँ इस बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा, पूरे वर्ल्ड में आज के समय कई छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। उदाहरण देकर बताओ तो यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां चीन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्हें भी ये डर सता रहा है कि चीन उनकी जमीन कब्जा लेगा। तो इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट का फायदा भारत को मिल रहा है, जहां पर भारत ने अब तक मिसाइल्स, तोपे, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स कई ऐसे देशों को बेचे हैं जिनका रक्षा बजट उतना नहीं है कि वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों से हथियार खरीद सके। तो उनके पास ऑप्शन बचते हैं सिर्फ चाइना और भारत का। और आप सभी को ये बात तो जरूर पता होगी कि चीन के इक्विपमेंट सस्ते तो होते हैं पर उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। तो ऐसे में सारी छोटी कंट्रीज भारत से अपनी जरूरत का हथियार खरीदना पसंद कर रही हैं। और इसमें मजे की बात तो ये है कि इन सभी ऑर्डर्स में जो देश हमारे साथ कॉन्स्टेंट टच में है वो देश है अर्मेनिया, ग्रीस, इजिप्ट, वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया। जहां पर अर्मेनिया, ग्रीस तुर्की के कट्टर दुश्मन देश है, तो वहीं वियतनाम और फिलीपींस चाइना के पड़ोसी देश है। और अगर भारत इन सभी कंट्रीज को हथियार प्रोवाइड करवाता है तो इससे दो बातें भारत के लिए बहुत अच्छी होंगी। पहली तो हमारी और क्लोज रिलेशन होंगे इन सारी कंट्रीज के साथ, और दूसरी हमारे दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश भी पहुंचेगा कि भारत का प्रभाव उनके आसपास के रीजन में बढ़ रहा है। हालांकि इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज पाने के लिए।